वेल गाइस, स्मार्ट मनी फास्ट एंड इजी लोन इस एप्लीकेशन के आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो इस एप्लीकेशन की कंप्लीट रियलिटी आज आप लोगों को बताऊंगा, कैसा एप्लीकेशन है, रियल है या फेक है, सेफ है या नहीं, आप लोगों को यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं, क्या क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इस एप्लीकेशन पे आते हैं और कस्टमर केयर कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है। आप लोग देख सकते हो गाइस, 4.3 स्टार रेटिंग्स है, लेकिन इसे देख के आप लोगों को धोखे में मत पड़ना है। ये एप्लीकेशन बहुत ही रिस्की एप्लीकेशन है। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो, आप लोगों को स्मार्टली लोन लेना पड़ेगा और इस एप्लीकेशन पे जो भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आते हैं उसे आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना गाइस, इसमें आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो ना, मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ फिलहाल इंडिया में टॉप 10 पर्सनल लोन एप्लीकेशंस कौन सी है और कैसे आप लोग बस डायरेक्ट वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हो, वह सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी स्मार्ट मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं एक चीज़ पहले ही बताना चाहता हूँ गाइस, रिस्की एप्लीकेशन है। आप लोगों के मोबाइल से बहुत सारी परमिशंस ये एप्लीकेशन लेता है, आपके मोबाइल पे क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी लोकेशन, आपके SMS, आपकी फ़ोटोज़, आपकी मीडिया, आपकी फाइल्स, आपकी कॉन्टैक्ट, आपके मोबाइल पे क्या क्या एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, वो सारी चीज़ें ये एप्लीकेशन वाले देख सकते हैं। तो बहुत ही रिस्की एप्लीकेशन है। अभी गाइस देखो, इस एप्लीकेशन से लोन लेके अगर आप लोग रिपेमेंट पे देर कर दोगे या तो रिपेमेंट नहीं करोगे, इस एप्लीकेशन की जो भी लोन रिकवरी एजेंट्स होता है वो लोग आपको कॉल करके मैसेज करके परेशान भी कर सकते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, रिस्की एप्लीकेशन है, पहले ही बता रहा हूँ। अभी गाइस इस एप्लीकेशन की अगर लोन की बात करें, कैसा लोन मिलेगा, कितनी इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर देख सकते हो। 30,000 का ही आप लोगों को लोन इस एप्लीकेशन पर मिलेगा। सो रिपेमेंट पीरियड यहाँ पर 92 डेज से 365 डेज लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप लोगों को शॉर्ट रिपेमेंट पीरियड मिलेगा, 6-7 डेज मिल सकता है। सो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लोगों ने लिखा है 24%, लेकिन रियलिटी में आपकी इंटरेस्ट रेट अप टू 35-40% तक जा सकता है, प्लस आप लोगों को 18% GST भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह की जरूरत नहीं है, बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक स्टेटमेंट से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को स्मार्ट मनी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, आधार कार्ड से ई साइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर पाओगे। स्मार्ट मनी एप्लीकेशन के यहाँ पे कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और smartmoney10.com इन लोगों का वेबसाइट है, आप लोग उससे भी विजिट कर सकते हो। अभी गाइस देखो, ये एप्लीकेशन रिस्की एप्लीकेशन है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल गया। अभी गाइस इस एप्लीकेशन पे जो लोन्स मिलता है आप लोगों को शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा, हाई इंटरेस्ट रेट के साथ मिलेगा। और जो इशूज़ आते हैं गाइस, बहुत सारा इशूज़ भी इस एप्लीकेशन पर आते हैं। पहला तो लोगों को रिजेक्शन मिलता है, दूसरा लोगों को यहाँ पे रिपेमेंट पे इश्यूज आता है, लोग रिपेमेंट कर देते हैं लेकिन स्टेटस अपडेट नहीं होता है, बाद में इस एप्लीकेशन वाले फिर से रिपेमेंट के लिए बोलते हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ पे लोन अप्रूव हो जाता है, अकाउंट पे कोई पैसा ही नहीं आता है, कुछ लोगों का जो अप्रूवल होता है वो पेंडिंग पे ही रह जाता है। और यहाँ पे बहुत लोगों ने ये भी बताया है कि देख सकते हो डाटा कलेक्ट कर लेता है, बाद में लोन वगैरह नहीं देता है। कुछ लोगों को लोन दिया है लेकिन बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, शॉर्ट टाइम के लिए, 6-7 डेज या तो आप लोग देख सकते हो ऐसा वाला लोन देता है। अभी गाइस इस एप्लीकेशन पे आप लोगों को स्मॉल अमाउंट का ही लोन मिलेगा, इन लोगों ने जो बताया है 30,000, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 30,000 ही मिलेगा, आप लोगों को 2,000-3,000 भी मिल सकता है। कोई बता नहीं सकता कैसा आप लोगों को लोन मिलेगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, कितने दिनों के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल गाइस बहुत ही रिस्की एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे 6-7 डेज के लिए लोन मिलता है तो आप लोगों को रिपेमेंट वगैरह भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं तो आप लोगों को रिकमेंड नहीं करना चाहता इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। अगर आप लोगों को मिलेगा या ना मिलेगा वो चीज़ें भी पता नहीं है, प्लस मिलेगा भी अच्छा वाला लोन नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को अच्छा वाला लोन लेना है, हाई अमाउंट का लोन, लो इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को लेना है, तो आप लोग विजिट कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों के लिए एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे बस आप लोगों को विजिट करना है। आप लोगों को टॉप 10 पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में मिलेगा और डायरेक्ट अप्लाई लिंक्स भी आप लोगों को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो भी फर्स्ट लिंक है उसे विजिट करो, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अभी गाइस मुझे तो बस इतना ही बताना था स्मार्ट मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में। आप लोग क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है। कोई भी सवाल है या तो डाउट है कमेंट पे बिंदास पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही था गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।